इस समय सूबे में यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है कि लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताना और लोगों को इसके पालन के लिए जागरूक करना। ज्यादातर हादसे नियमों का पालन न करने की वजह से होते हैं और दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी में एनसीसी कैडेटों ने शहर में एक जागरूकता रैली निकाली और बिना हेलमेट पहने लोगों को रोक रोक कर उनको हेलमेट न पहनने के नुकसान बताए। इस रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आजकल जो युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा इस चीजों को फॉलो नहीं करता है। वो बाइक पर 3 से 4 लोगों को बैठा कर ट्यूशन जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। हम घर के गार्जियंस को और कॉलेज में भी ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। कॉलेज में गेट पर ही चेकिंग होनी चाहिए। अगर जो भी बच्चा बाइक या 2-व्हीलर से आता है, अगर वो हेलमेट नहीं लगाता है उसे तो कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। तो अगर धीरे धीरे प्रयास होंगे तो यातायात के नियमों का पालन होगा और कई एक्सीडेंट्स जो इस वजह से होते हैं, घर के बच्चों की मौतें हो जाती हैं, इनसे रोक पाई जा सकेगी। News75.in भी आपसे अपील करता है कि आप यातायात नियमों का पालन करें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद यासीन, News75.in।